पठानकोट के हल्का बुआ में पूर्व विधायक जोगिंदर पाल ने अपने दफ्तर में कांग्रेसी वर्करों के साथ एक मीटिंग की, जिससे कल दफ्तर से निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा के संबंध में वर्करों के साथ बातचीत की। पूर्व विधायक जोगिंदर पाल ने कहा है कि यह यात्रा इसलिए निकाली जा रही है ताकि हमारे देशवासियों को यह पता चल सके कि अगर हम आज़ाद हैं तो इन शहीदों की वजह से हैं, जिनके कारण ही आज हम 15 अगस्त के रूप में आज़ादी का झंडा मना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम सभी देशवासियों को ऐसी तिरंगे यात्रा निकालनी चाहिए। प्रोग्राम सी आज दा मीटिंग दा रखा जेड़ा आज मीटिंग दा प्रोग्राम सी, ये बेसिकली 15 अगस्त जेड़ी आज़ादी दा दिहाड़ा जेड़ा पूरे देश दे विच छड़ के पूरे वर्ल्ड दे विच हिंदुस्तान दे नागरिक जेड़े मना रहे है, और हाई कमांड दा तो आर्डर है कि तुसीं सारिआं ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच एक पग यात्रा जी कढ़नी है, तो कल तिरंगा यात्रा जी आपां कढ़नी है, 9 ते 10 दिन कढ़नी है। कल सारे ही वर्करां नूं मेरे वल्लों हाथ जोड़ के बेनती है, कल सारे वर्कर जिहड़े आ इत्थे कांग्रेस साडे दफ्तर दे विच आ के 10 बजे आण, तो फिर आपां तिरंगा यात्रा जी कढ़ांगे 10-12 किलोमीटर। और मेरे वालों तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों सारे ही लोगों को 15 अगस्त के शुभ दिहाड़े के उत्ते लख लख बधाई है। और जिहड़े महापुरशां ने, जिहड़े शहीदां ने अपने देश वास्ते, देश को आजाद कराने वास्ते शहीदियां दित्तियां ने, हर आदमी को, हर पार्टी को पार्टी वाइज उठ के प्रेम प्यार नाल देश का प्यार करना चाहिए, देश के भी जो लोग रहेंगे उन्होंने प्यार करना चाहिए और अपने देश को गांव बताना चाहिए। ये मेरा सारे लोगों के सहयोग, जय हिंद जय भारत। आज जी मीटिंग है एमएलए श्री जोगिंदर पाल अध्यक्षता हो रही है, हो रही है कि तिरंगा यात्रा जी कल उन्होंने देश है, कल इतने तिरंगा यात्रा शुरू करनी है और बद तो बद जे वर्कर कांग्रेस सारे इतने दफ्तर आन, और जो उपर आदेश है हाईकमान वो मुताबक असी 15 अगस्त की आजादी जी अगे आ रही है उन्होंने सुजीत रखने वास्ते तिरंगा यात्रा करके दुनिया को नाल नाल दसना कि साढ़े शहीदों ने, सारे नौजवानों जिन्हें कुर्बानी दी है उन्होंने सुजीत रखने वास्ते ये पद यात्रा जी है श्री जोगिंदर पाल MLA के देख रेख हो रही है, वो अधीन हो रही है और पद यात्रा जी उनकी देख रेख हो रही है, वहीं रुद्ध से शुरू करनी है और जहाँ लास्ट जी है वो भोए जाके खत्म होएगी।